focuses on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कल है और आज हमारे साथ जो है मौजूद साई कृपया की प्रिंसिपल अंजना राजगोपाल जी, इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है बच्चों के लिए अनाथ आश्रम खोले हैं। तकरीबन 400 बच्चे यहाँ मौजूद हैं जिनका ये पालन पोषण करते हैं, बच्चों को नाश्ता पढ़ाई से लेकर उनकी देखभाल तक करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके दिमाग में कब ये ख्याल आया कि बच्चों के लिए एक अनाथ आश्रम खोलना चाहिए जो बच्चे अनाथ हैं। मैम, टेन न्यूज़ में आपका स्वागत है। किस तरह का आपको ध्यान आया कि ये चीज़ होना चाहिए? देखिए, बचपन में जब मैं बेलारी में पढ़ती थी तो वहाँ से बच्चे घर घर आते थे चंदा इकट्ठा करने के लिए किसी आश्रम से, तो बुरा लगता था कि बच्चे भिक्षा मांग रहे हैं। तो मेरे मन में आया कि बच्चों को प्रॉपर मतलब एक लाइफ देना चाहिए और उनको ऐसे भीख नहीं मांगना चाहिए, तो इसलिए तभी मन में मैंने सोचा था कि बच्चों के लिए ऐसा कोई होम खोलूं जिसमें बच्चे पूरी तरह से मतलब देख रेख हो जाए और वो अपनी इज्जत से समाज में जी सके। मैम, बात करते हैं कि आप उनके बच्चों के लिए कैसे करते हैं, कितने बच्चे हैं? अभी हमारे पास 65 बच्चे हैं। काफ़ी बच्चे जॉब लेके अपना इंडिपेंडेंट हो गए, कई लड़की शादी भी हो गई है और अब जो है जो बच्चे हैं अभी स्कूल जा रहे हैं और कुछ बच्चे कॉलेज भी जा रहे हैं, और हम यही कोशिश करते हैं कि ये बच्चे अच्छी तरह समाज में इज्जत से जी सकें। कितने सी उम्र के बच्चे आते हैं और कब तक आप उनको फ्री कर रहे हैं? पहले हमारे पास न्यूबॉर्न बेबीज़ भी आते थे, वो बच्चे अब कॉलेज करके अपना नौकरी भी ले लिए, पर अब जो बच्चे हैं अब जो है सरकार ने रूल्स बदल दिए, तो ज़्यादातर 5 साल से ऊपर के बच्चे ही हमारे पास आते हैं। तो जब तक उनकी सके मतलब जीवन में सेटलमेंट नहीं होता तब तक हम उनकी देखते हैं। बच्चे आपसे बहुत पूछते भी होंगे कि किस तरह की आप मेहनत करते हैं, आपको देखते होंगे, क्या बच्चों को क्या प्रेरणा देते हैं आप, क्योंकि आप महिला भी हैं? हम तो बच्चों को यही प्रेरणा देते हैं कि एक अच्छे इंसान बन के जिए और औरतों की इज्जत करना और बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना, ये सब बच्चों की। कितना टाइम हो गया आपको नोएडा में यहाँ इस संस्थान को चलाते हुए? इस संस्थान को 30 साल हो गया, पर मैं नोएडा में आई थी 1983 में। यही आपने संस्थान खोला था? नहीं, बात करते हैं इन बच्चों की, तो आपने यही संस्थान खोला था, आपने स्टार्टिंग यहीं से करी? नहीं, शुरुआत में हमने यहाँ से नहीं खोला था, शुरुआत में हमने खोला था सेक्टर 20 में, और बाद में एक दो जगह शिफ्ट करना भी पड़ा, पर बाद में जो है यहाँ हमने गवर्नमेंट से ये LIG मकान किराए पर लिया, फिर केडेंस नाम के कंपनी ने उसको हमारे लिए परचेज करके बनाया। तो फंड की व्यवस्था कहाँ से होती है कुछ? फंड की व्यवस्था टोटली पब्लिक से है, कुछ इंडिविजुअल्स है, कुछ कंपनीज है, कुछ संस्थाएं हैं, इन सब के सपोर्ट से चलता है। मैम, आप एक महिला भी और कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, क्या महिलाओं को टिप्स देंगे कि वो अपने आगे नाम रोशन करें, कुछ चीज़ सीखें, या आप कुछ ऐसी चीज़ करें जो इनका दूसरा जनता का भी भला हो, बच्चे को भला हो, ऐसे टिप्स? महिलाओं को सबसे ज़्यादा मैं यही कहना चाहती हूँ कि कभी हिम्मत ना हारे, और अगर उनके मन में कुछ अच्छा करने का विचार है तो चाहे समाज कितना भी उसको अपोज करे, उसको करके दिखाना चाहिए, और अपने बेटों को सही रास्ता दिखाना, क्योंकि ज़्यादातर यही देखा गया कि बेटों को इतना सर पे चढ़ा के उनको बिगाड़ देते हैं कि वो दूसरों की इज्जत नहीं करते ना औरतों की इज्जत करते। तो ये एक माँ ही सिखा सकती है कि बेटे कैसे अपने बहन को, माँ को, या जो भी बुजुर्ग है उनकी। आगे का कितना टारगेट रहेगा आने वाले टाइम में? अब देखो, जितना भगवान मुझे शक्ति देता उतना मैं करूँगी। माना जाए तो अभी तक 400 बच्चों का आपने पालन पोषण किया जी, तो आगे क्या देखा जाए कि बच्चों को भविष्य बनाने के लिए? जितना हो सकता मेरे से करूँगी जी। उनका ये कहना है कि काफ़ी समय से उनका ख्याल आया था कि रोड को बच्चा जो है भीख मांग रहा था, और इन्होंने देखा कि वो भी क्यों मांग रहा है, क्यों ना इस बच्चे का भविष्य बनाया जाए, इसको अडॉप्ट करके भविष्य बनाया जाए। इनके यहाँ तकरीबन 400 बच्चे हैं और 400 बच्चों को आप देख सकते हैं कि यहाँ पढ़ना और लिखना, ये बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी स्कूल से आए हैं, इनका ही एक स्कूल है साई कृपया एक्सप्रेस वे के पास, वहाँ से आए हैं, ये उनके पढ़ाई है। वहीं दूसरी तरफ
बच्चे स्कूल से आकर खाना खाने शुरू कर दिया है इन्होंने। अब देख रहे हैं कि वहाँ खाना खाने में बैठे हुए हैं, अपना लंच कर रहे हैं और लंच करने के बाद वो पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई के बाद खेल मस्ती, खेल कूद, उनके लिए बगीचा भी है जहाँ वो खेल सकते हैं, शाम के टाइम पढ़ सकते हैं। और उस तरफ इन्होंने दो हॉस्टल बनाए हैं, एक बॉयज़ हॉस्टल और एक गर्ल्स हॉस्टल, जहाँ एक तरफ लड़कियाँ रहती हैं और एक तरफ लड़के रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों की बात करते हैं, जिन्होंने काफ़ी टीचर्स रखे हैं उन बच्चों को पढ़ाने के लिए। इनका ये कहना है कि बच्चे का भविष्य पढ़ाई से भी होता है। उनका ये कहना भी है साथ साथ कि बच्चे पढ़ते तो हैं पर उनके साथ खेल कूद भी, क्योंकि अधिकतर बच्चे खेल कूद में भी माहिर होते हैं। तो इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं एक पढ़ाई के साथ साथ उनकी खेल कूद भी यहाँ देखा जाता है और उनके साथ प्रतियोगिता भी कराई जाती है कि किस तरह से खेला जाए। और छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे साथ, उनसे हम पूछते हैं कि अभी कहाँ से आए हैं और क्या करेंगे आगे। बच्चे आप कहाँ से हैं, अभी पढ़ाई करके आए हैं? हाँ। कौन सी क्लास में आप? केजीपी। फिर आके आप क्या किया स्कूल से, अभी आप आए हैं? पढ़ाई। खाना खाया आपने? हाँ। आपकी प्रिंसिपल मैम का नाम क्या है? गुप्ता मैम। गुप्ता मैम, और क्या कहती हैं वो? आज महिला दिवस है, कल महिलाओं का दिवस है, उन्होंने आपको पढ़ाया भी है, खिलाया भी है, क्या कहेंगे, उनको धन्यवाद कहेंगे? हाँ। बिल्कुल, इन बच्चों का ये कहना है कि हमारे साथ टीचर नहीं है, एक परिवार है, परिवार माना जाए तो यहाँ परिवार इस तरह का, टीचर का एक परिवार भी है कि जो यहाँ पढ़ता भी है, रहता भी है और बच्चों को खाना भी खिलाता है, छोटे छोटे इन बच्चों को खाना खिलाना सिखाता भी है, क्या कैसे कैसे बैठ के हो सके। तो ये था हमारी मैडम का, प्रिंसिपल मैम अंजना राजगोपाल का, कि इनका उन्होंने कितना मेहनत करी, कितना परिश्रम किया, जो तरह से ये कामयाब और उन 400 बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ रोहित शर्मा, 10 न्यूज़, नोएडा।